तवज्जो के लिए, अब तो इस पे आपने बहस नहीं करवाई। इसमें सफा नंबर 6-7 पर राइट टू इंफॉर्मेशन के बिल में, अगर दिनेश साहब ने इसको पढ़ा होगा, अंग्रेजी में है, इसमें एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं, इस बिल का फायदा क्या होगा? इसका पेज नंबर 7 खोलें, जो हम चाह रहे थे इसके डिस्कस, इस बिल का हमें फायदा क्या होगा? हमें 2 मिनट के लिए कम से कम वो 2.5 मिनट में हमें बता दे कि जिसका फायदा ये है, मैं वो मानने के लिए तैयार हूं। हम इसको 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर। इसको दिनेश ने नहीं, वजीर इत्तलात ने किया। वजीर जनाबे वाला, जनाब जनाब जनाबे जनाबे स्पीकर, देखें इसमें जनाबे स्पीकर, इसमें जनाब जनाबे स्पीकर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, एक्सेप्शन की तरफ, मैं एक्सेप्शन की तरफ आ रहा हूं, यानी एक्सेप्शन से मुराद मावरा, किन चीजों से मावरा होगा, यानी इसका देखें, पहली बात यह है कि अगर वो मालूमात हम आपको नहीं देंगे जो नेशनल डिफेंस से मुतल्लिक हो, सिक्योर, तो अमेंडमेंट उस वक्त लाई जाती है जब इसको प्रॉपर्टी बनाए। नहीं, आपका नहीं, आप बैठ जाए ना, जब ये प्रॉपर्टी बनेगी, जब ये असेंबली की प्रॉपर्टी बनाते तो हम अमेंडमेंट मूव करते, बल्कि इसकी अच्छाई और बेहतरी के लिए करते, ही हमारे आने वाली नस्लों का है जनाबे वाला। इसमें शिक ए है, मतलब ये कुछ 13 शिक हैं, ये उनको कहा है कि जी ये मावरा है, मतलब ये 13 चीजों की मालूमात हम आपको नहीं देंगे। नंबर 1 ये है कि नेशनल डिफेंस है, सिक्योरिटी है, किसी चेक पोस्ट के बारे में पूछ लिया, पब्लिक ऑर्डर है या इंटरनल रिलेशन मामला में, ये मालूमात हम आपको नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट लेजिटिमेसी इंटरेस्ट। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सी है, हमेशा जो सारी गड़बड़ होती है, आज भी हम बैठे थे जनाबे वाला, हम 361 मुलाजमीन का जिक्र कर रहे थे, पता चला कि समरी और नोट पोर्शन इसमें लिखा हुआ है जनाबे वाला कि जो सी हाउस, जनाब ऑर्डर इन द हाउस, जनाबे वाला इसका एक्सेप्शन में 3 जो है सी है, वो ये है कि समरीज एंड नोटिंग ऑन द फाइल्स, यानी कोई भी समरी, चाहे चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरिएट की हो, किसी कैबिनेट की हो, या किसी वुजरा की हो, या नोट पोर्शंस होंगे, नोटिंग्स होंगी, वो उसकी मालूमात हम आपको नहीं देंगे, यानी मैं भी चाहूं एक शहरी को हम नहीं देंगे। इसी तरह ये जो मावरा आप सब पढ़ेंगे, इस बिल में ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपको इस बिल से फायदा शहरी को क्या मिलेगा, वो शहरी को हम कौन सी मालूमात देंगे। इस बिल में राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये राइट टू कर्ब द इंफॉर्मेशन, राइट टू कर्ब द इंफॉर्मेशन, यानी मालूमात की रसाई को रोकने का बिल है। मालूमात की रसाई का होता तो ये कहते कि जनाबे वाला एक शहरी को हम रसाई देंगे जी सर, हम शहरी को रसाई देंगे कि वो समरी देखे, हम शहरी को रसाई देंगे कि वो कैबिनेट के फैसले देखे, हम शहरी को रसाई देंगे कि वो एक मिनिस्टर के नोट पोर्शन पे, उसकी समरी पर वो फैसले देखे। ये सारी मालूमात हम नहीं दे सकते, तो इस पे पैसे जाया करने की क्या जरूरत है? राइट टू कर्ब इंफॉर्मेशन जनाब स्पीकर, राइट टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन कर रहे हैं आप। जब मैं वजीर इत्तलात जनाबे वाला, मैं समझता हूं आप हैसियत स्पीकर, ऐसे किसी भी बिल को इस हाउस की तौहीन है, उसको ले आए, इसको बहस करेंगे, इसमें बेहतरी लाएंगे, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का राइट टू इंफॉर्मेशन का बिल लाएंगे। लोग हम पे आएंगे, असेंगे बलोचिस्तान के लोगों पर, कहेंगे ये क्या जानवर है कि आपने एक्सेप्शन में 13 क्लॉजेस डाले हैं, लेकिन प्रोविजन बेनिफिट्स एक शहरी को देने उसका एक क्लॉज भी नहीं है। ये जब इंटरनेशनली जाएगा, ह्यूमन राइट्स बॉडीज में जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, लोग हंसेंगे, कहेंगे ये कौन सी असेंबली थी, इनके आंखें थी, ये पढ़े लिखे लोगों ने राइट टू इंफॉर्मेशन का बिल पास किया है, ये तो अपनी मालूमात को छुपाने का बिल होगा जी, ये बलोचिस्तान में मालूमात को छुपाने का बिल साबित होगा। जनाब स्पीकर, अभी ये हो गया, अभी फाइनेंस मिनिस्टर से डिसीजन वापस लें और इस बिल को बहस के लिए मंजूर करवाएं। जो है ये 2005 की हमारी एक्ट थी यहाँ पे, उसकी रिप्लेसमेंट है। इसमें हमने ये किया है कि हमने इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया है, एक इंफॉर्मेशन कमीशन बना दिया है, बल्कि उसमें जो भी पहले ये था कि जब पिछले एक्ट में कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को चाहिए होता था तो वो ऑब्डर्स मैन के पास जाता था, जो उस वक्त उस बिल के तहत आया था, तो उसमें वो बाउंड नहीं था कि उसको इंफॉर्मेशन दे। लेकिन इस बिल में चूंकि हमने इसको मैंडेटरी बना दिया है कि जिस किसी भी शहरी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उस कमीशन को या उस एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हमने मुकर्रर करना है हर डिपार्टमेंट में, उसको दरख्वास्त दे कि मुझे फलाना इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर लेट सपोज उसने जो है इंफॉर्मेशन देने से जो इनकार कर दिया तो फिर वो कमीशन के पास जाएगा और कमीशन
जो है उसको देखेगी और फिर उसके लिए सजाएं और जजाएं मुकर्रर करेंगी कि अगर इंफॉर्मेशन की गवर्नमेंट ने नहीं दी उसको तो उसको इस कानून के तहत उसको सजा मिलेगी। जनाब स्पीकर, जो सना साहब ने कहा, देखें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जिसमें डिफेंस के हवाले से हों, जिसमें खुदा नखास्ता वो इंफॉर्मेशन जिसको कबल अज वक्त आप लीक करें जिससे कोई रेट्स या कुछ और हंगामे और कुछ मामलात या पब्लिक ऑर्डर का इशू बन सकता हो, तो उसके हवाले से ये चीज़ें उन्होंने बताई। तो कहने का मुराद ये है कि इस पे दो दफ़ा कैबिनेट में अच्छी खासी बहस हुई है और ये इस पे जो है ना सिर्फ हुकूमत बलूचिस्तान बल्कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से जो भी तंजीमें हैं, इन्होंने भी इसकी एडवोकेसी की है और ये बिल जो है हमारी डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं, हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर करने के लिए पार्ट्स एंड पार्सल है और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल है कि हर शहरी को वो हक हासिल है कि वो किसी भी तरह का जो है इंफॉर्मेशन वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ले सकता है कि आया उनके नुमाइंदे बैठ के क्या कर रहे हैं, उनकी हुकूमती कारकर्दगी क्या है, उनके जो है मामलात किस तरह के हैं। तो उस आर्टिकल के आयन को जो 18वें तरमीम में मंजूर हो चुकी है उसको देखते हुए इस इंफॉर्मेशन जो एक्ट या बिल का जो है लाना बड़ा ज़रूरी था। अब इसको मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त जो हैं अपनी उनकी इंटरप्रटेशन है, अपनी उनके जो है अल्फाज हैं, अपनी उनकी जो पीछे सियाक सबाक है उसके तहत इंटरप्रेट कर देते हैं और फिर फैसला साजी कर लेते हैं। अगर दोस्त को कोई भी जो है इसमें सकम नज़र आया, कोई भी उसमें जो है लूफोल नज़र आया, मैं उसके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। हमारी बहन जो है इंफॉर्मेशन पार्लिमानी सेक्रेटरी, उनके साथ बैठने के लिए तैयार है। रुल रहा है, इन्हीं गलत फैसलों से हमें गैस की एलटी कम मिल रही है, सारे गलत फैसले करे। और जनाब जनाब स्पीकर, मैं इस पे आपने वॉकआउट किया ना, आपने हक अदा किया पूरा बलूचिस्तान। जनाब स्पीकर रुल रहा है, जनाब स्पीकर के बारे में मालूम हासिल कर सके। जनाब स्पीकर समझ नहीं आ रही, हाँ जनाब स्पीकर, ये जनाब स्पीकर जी क्या बात है, क्या जी क्या होता है जनाब स्पीकर, हो गया एक महीने कैबिनेट बस आप जनाब स्पीकर, प्लीज जनाब स्पीकर, मेरे दोस्त जहूर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि 2005 के उस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए ये बहुत ही कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन एक्ट हम ला रहे हैं। देखें मैं खुद यही कह रहा हूं कि आज से नहीं बल्कि जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, जो हम जैसे लोग हैं जिनको मालूमात की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो फिगर्स पे हमेशा कैलकुलेशंस पे फैक्चुअल चीजों पे करते हैं, हमें ज्यादा जरूरत होती है और मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूं आज से नहीं 20 साल से जब से हम एमएनए और सेनेटर थे। प्रॉब्लम क्या होता था, देखिए जहूर साहब ने कहा कि ये बिल अवाम को मालूमात की रसाई तक का हक देगा, वो जो मालूमात चाहेंगे उनको मिलेगा। इस पूरे बिल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि अवाम को तरीकेकार कि उसको ये मालूमात मिलेंगी। अच्छा मैं अभी थोड़ा सा पढ़ूंगा, मेरे पास उर्दू वाली भी है, अंग्रेजी वाले भी है। सर जहूर साहब मैंने आपकी बात सुनी, हर डिपार्टमेंट जो है एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुकर्रर करेगी। अच्छा जो अवाम उस इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास जाए, जनाब ऑफिसर गणेश साहब बैठे हैं, गणेश साहब, गणेश साहब जनाब जनाब स्पीकर, हाँ देखो ये चाहते हैं, ये समझते हैं कि शोर शराबे से बलोचिस्तान की आवाम को हम बेवकूफ बनाएंगे और उनकी आंखों में धूल झोंकेंगे। मैं आपको बीबी बुशरा बीबी, मैं सर आंखों से आप सबकी कदर करता हूं, मैं समझता हूं कि लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने बनाया है वो आप लोगों को सही गाइडलाइन नहीं दी है। मैं आपको दो चीजें सिर्फ बता रहा हूं, आप सुने। एक्सेप्शन मीन्स मावरा, आर्टिकल इसका 15 है, कहता है 1, अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिनकी बात कर रहे हैं जरूर साहब हम मुकर्रर करेंगे, मे रिफ्यूज, वो आपको रिफ्यूज एन एप्लीकेशन फॉर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वेयर डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन शल और इज लाइकली टू कॉज हार्म। जनाबे वाला आपने सुना कि उसमें लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको रिफ्यूज करेगा, कानून के यानी साफियों को आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, आप एक शहरी को करे तो फिर भाई मुझे इंफॉर्मेशन कोई कोई तरीका तो नहीं है अभी इसको मेरे ख्याल में, हमें इंफॉर्मेशन ये तो नहीं देखे, ये इंफॉर्मेशन को तो ये इंफॉर्मेशन तो अखबार में आ जाती है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, लेकिन अगर एक शख्स जाता है वो कहेगा कि कमीशन भी आ गया है ना, आगे कमीशन। सर देखें मेरे ख्याल में इसको कंक्लूड करें, नहीं सर कंक्लूड नहीं हो गया, हो गया अभी वापस तो नहीं हो सकता जी। जमरो खान बहुत ही गलत,
जो नुकसान अवाम को होगा उसके जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। ये तो आप अवाम के, ये तो अवाम का जो हक है, जो पैदाइशी हक है, जमहूरी हक है, इस्लामी हक है, मालूमात तक की रसाई का, आप वो उस पर पाबंदी याद कर रहे हैं। आप इसको वापस आके सही कर दें, पाबंदी लगा रहे हैं उस पर मेरे भाई, बजाय कि इसको जनाबे वाला किसी किसी मैं जनाबे वाला इसमें नहीं, ये कौन सा डिफेंस है, ये सारी चौकियों से पत्ता आप लोग ले रहे हो। एक दफा हाउस को ऑर्डर कर रहे हैं, सारे चौकियों से पत्ता ये लोग ले रहे हैं। डिफेंस है, डिफेंस है, आप लोग को डिफेंस की फिक्र होती तो पत्ता माफियों के साथ तो नहीं होते। जनाबे वाला मैं अगर कल पूछूंगा कि ये चौकियां किस ऑर्डर के तहत बनी है, कहेंगे ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, वो मेरा एप्लीकेशन रिफ्यूज कर देंगे। मैं कहूंगा कोस्ट गार्ड किन, जनाबे वाला ये आगे बढ़ाते, ये बुनियादी जो हमारा मालूमात तक रसाई का जो इंसानी जमहूरी आई नहीं है क्या? जी जबर खान, ये तो जी जबर खान को तो बंद कराओ, उस चमचे को तो बंद कराओ, नरेश को चमचे को तो बंद कराओ, हर चीज पे बोलता रहता है। जनाब स्पीकर अपना ख्याल इस्तेमाल करें, आईन के मामला और आईन के खिलाफ बिल को फौरन जनाब नुमाइंद उमर साहब सुबह वजीर अपना करारदाद नंबर एक पेश करें, इस बिल को रिकॉल करें, जनाब स्पीकर साहब बिल को रिकॉल करें। और अब ये हाउस की है, सर हाउस हाउस आप देखें उसको, इसका कंपैरिजन करवाएं आइन के साथ, अगर आइन के मावरा एक बिल को आप कैसे अप्रूव करवाएंगे? गवर्नमेंट के मेंबरों को करे शाह साहब, अच्छी गवर्नमेंट के मेंबर, जमहूरियत इसका मतलब तो नहीं। इस बिल को रिकॉल करें।